माई मदर इस लाइक पाकिस्तान के लिए कुछ भी करना है। यही था कि मैं भी एक एक अपना पैशन एक्वायर करूं और एक बीइंग अ पैशनेट ऑफिसर या सोल्जर सर्व करूं। वो शौक हमेशा से था कि यार यहाँ पे हम टीवी पे देख रहे हैं, मैं उस तरफ कब जाऊंगी, मैं जाके कब वो परेड करूंगी, कब मैं अचीव करूंगी ये चीज़। हम सब पाकिस्तानी होते हैं, हम एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम एक जैसे होते हैं, हम सब आपस में कुलीग होते हैं, कोर्समेट्स होते हैं। इफ देयर इज अ वे फाइंड वन, इफ देयर इज नन मेक। बस मैं थोड़ा सा अपने बेटे का ड्रेसेस निकाल रही थी, आज आपको पता तो है समर्स चल रही है, तो ऑफिस जाने से पहले मैं उनके कपड़े वगैरह निकाल दूँ, मुझे 2 मिनट्स दीजिए। नहीं कोई मसाले पर आराम से प्लीज चीज़ें सॉर्ट कर लें। तो कैसा आपका सफ़र गुजरा इधर आने का? बहुत अच्छा, लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट करी थी कि शायद मैं किसी आर्मी वालों के घर आई हूँ तो लिफ्ट शिफ्ट लगी होगी, तो फोर्थ फ्लोर पे चल के मुझे पता लगा है कि इतनी ग्लैमरस लाइफ नहीं होती है। I'm really you can see के, लेकिन it's a good thing, it's a good exercise के आप डेली आपके ज्यादा वर्कआउट हो रहा है, मेंटेन रहते हैं और मेंटेन रह के आपकी हेल्थ भी इतना सफर नहीं करती कि आप ऊपर नीचे चल रहे हैं, और आई एम हैप्पी विद दैट कि आपका आना जाना वो होता है। इट्स लाइक दैट कि मोस्टली वी डोंट हैव एलिवेटर्स। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या था। अक्सर लोग किसी को अपनी फैमिली में रोल मॉडल करते हैं, कोई मूवी में करते हैं, तो आपने कब सोचा कि मुझे भी यू नो आर्मी ज्वाइन करनी है? वाज इट जस्ट द यूनिफॉर्म या मोटिवेशन फैक्टर्स क्या थे आपके लिए? अक्सर आर्मी ज्वाइन करने की मोटिवेशन, एक तो जब मैं छोटी थी, आई मीन यूनिवर्सिटी से पहले, आई यूज टू प्ले अ गेम मेटल गियर सॉलिड, तो जो जो वो कमांडो एक्शंस करता था, आई ऑलवेज ड्रीम कि काश मैं भी बीइंग अ फीमेल ये काम कर सकूं। मेरी मदर साइड इज फ्रॉम आर्म फोर्सेस और बीइंग थर्ड जनरेशन इन आर्मी, तो यही था कि मैं भी एक एक अपना पैशन एक्वायर करूं और एक बीइंग अ पैशनेट ऑफिसर या सोल्जर सर्व करूं। अपार्ट फ्रॉम दैट माय ग्रैंडफादर्स एंड माय फैमिली एक मोटिवेशन थी कि जी हमने आर्मी ज्वाइन करनी है, हमने क्रॉस बेल्ट लेनी है, हमने कुछ वो करना है जिससे हमारी पेरेंट्स, हमारी फैमिली और हमारा कंट्री प्राइड फील करे। पहली बार यूनिफॉर्म पहनने की क्या फीलिंग थी, एंड स्पेशली जब आप अपनी फैमिली के सामने पहली बार यूनिफॉर्म में गई तो वो मोमेंट कैसा था? जब मैं PNA में थी एंड जब मैं अपनी परेड में एज अ कोर सीनियर अंडर ऑफिसर अपनी पलटून को लेके जा रही थी, तो आई सॉ माय मदर एंड आई स्टार्टेड वीपिंग। तो यू नो दिस इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड कि योर आई मीन यू अचीव समथिंग बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू, एंड दिस वॉज समथिंग सो मोटिवेटिंग फॉर मी कि मेरे पेरेंट्स मोटिवेट हो रहे हैं और यू डू समथिंग सो गुड। आई थिंक वो मोमेंट जैसे आपके उसमें ऐसे इंग्रेव हुआ है, उनके उसमें भी ऐसे ही होगा जो वो फर्स्ट टाइम उन्होंने आपको देखा कि यू लीडिंग एंड इन यूनिफॉर्म, तो एक कोर मेमोरी वो बन गई होगी, एक प्राउड मोमेंट उनके लिए। माय मदर इज लाइक पाकिस्तान के लिए कुछ भी करना है, तो हम मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी जो थी सुबह उठ के ना सबसे पहले नेशनल एंथम होता था तो हम बहन भाइयों को छोटों को खड़ा करके सलूट करवाती थी, तो जो सलूटिंग आई है ना वो बचपन से अम्मी की वजह से आई है कि जी आपने सलूट करना है, आप पाकिस्तान नेशनल एंथम है, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, पूरी पूरी परेडें देखनी है। तो वो शौक हमेशा से था कि यार यहाँ पे हम टीवी पे देख रहे हैं, मैं उस तरफ कब जाऊंगी, मैं जाके कब वो परेड करूंगी, कब मैं अचीव करूंगी ये चीज। मुझे आप ये बताएं कि आर्मी कैसा एनवायरनमेंट देती है ओवरऑल सबके लिए भी, बट स्पेशली विमेन के लिए? लेकिन जब आप कैडेट एज अ कैडेट आप PMA जाते हैं तो वी आर गिवन अ सेपरेट अकोमोडेशन, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, यही ऑर्गेनाइजेशन है जो ओन करती है। आपकी जो रिजर्वेशन फैमिली की तरफ से या लिमिटेशन होती हैं वो सारी आपका रिगार्ड करती है कि आप किस बैकग्राउंड से। इट्स अ मल्टी डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, हर तरीके के, हर सूबे के, हर तरीके के लोग एक यूनिफॉर्म में एक जैसे बन जाते हैं।
तो उसमें ये कोई नहीं होता कि आप वहाँ के हैं, आप वहाँ के हैं, वहाँ के, हम सब पाकिस्तानी होते हैं, हम एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम एक जैसे होते हैं, हम सब आपस में कुलीग होते हैं, कोर्समेट्स होते हैं। वहाँ पे एक लेडी कैडेट को एक एज अ कैडेट लेके इक्वलेंट टू मेल, हमारे जो पीटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, वो एक बेहतर तरीके से हमारी फिजिकल लिमिटेशंस को, हमारी कल्चरल लिमिटेशंस को लेके एक ट्रेनिंग दी जाती है, जो स्टर्नेस होती है, जो आज मैं हूँ, जो सोल्जर हम बनते हैं, वो हमें हर तरीके की एक उससे गुजार के, टफ टाइम से गुजार के, हमें एक लाके एक कंप्लीट ग्रूम पर्सन खड़ा कर देती है। अच्छा, आई थिंक सबसे मिसकंसेप्शन की बात करें, मिसकंसेप्शन की, तो एक स्कैम भी है कि आप अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो आर्मी ज्वाइन कर लें। तो बहुत सारे लोगों को ये एक होता है कि बस सेकंड ईयर दो, आर्मी ज्वाइन कर लो, उसके बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिविल में तो यूनिवर्सिटी करो, ये करो। तो आप बताएं कि ये वाकई स्कैम है या आपको भी नहीं पढ़ना पड़ा? ये मिथ गलत है कि जी आपने पढ़ना नहीं है तो आप फौज में रहने, क्योंकि एक ग्रूम अफसर बनाने के लिए पढ़ाई इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, किसी भी कंट्री में चले जाएं तो एजुकेशन ही तो आपको ग्रूम करती है, और फौज आपको एजुकेट करती है, आपका हराइजन इन्हेंस करती है हर तरीके से, चाहे वो जीके हो, जनरल नॉलेज हो, करंट अफेयर्स हो, आपकी टेक्निकल स्टडीज़ हो, कि बींग एन इंजीनियर, आपको मास्टर्स, आपको PhD सब करने के मौके दिए जाते हैं। अब आपकी वर्क लाइफ जानने के लिए आपके ऑफिस चलते हैं। जी जरूर। So tell us about the nature of your job. Primarily, I am posted in a spare depot. जो भी हमारी पाकिस्तान आर्मी के पास एविएशन की फ्लीट है, उसके तमाम स्पेयर्स की प्रोक्योरमेंट ये डेपो करता है। एंड इट इज़ अ बिग जॉब कि आपने सस्टेनमेंट ऑफ फ्लीट को करना है। तो जो इशू रिसीट है और प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर्स फ्रॉम अब्रॉड है या फ्रॉम लोकल है, वो हमारा मदर डेपो करता है। और यहाँ पे जो मैं लुक आफ्टर कर रही हूँ, दैट इज़ अ रशियन फ्लीट, जो कि हमारा एक मेजर फ्लीट है, और I'm lucky to serve here, and this is my third tenure in a spare depot. So do you feel acknowledged? Of course. As already mentioned, how much you put in your service, how much effort you put in your service or in your duty, anywhere, you're acknowledged and you are supported with your decisions and whatever work you are giving, or whatever effort you're putting in. आज की वीडियो के बाद बहुत सारी लड़कियां, यंग गर्ल्स विल टेक यू एज अ रोल मॉडल। तो टू ऑल द यंग गर्ल्स जो आपको देख रही हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन करियर्स या फॉलो ऑन देयर ड्रीम्स, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरी हमेशा से एक चीज़ रही है, ड्रीम, आप ज़रूर ड्रीम देखें, लेकिन ड्रीम देखने के लिए और ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होनी चाहिए। सो जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला अपने पेरेंट्स की इजाज़त के बाद, वो पाकिस्तान आर्मी है। तो आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स रहे हैं, दे डोंट कंसिडर मी एज अ लेडी, दे कंसिडर मी एज एन ऑफिसर, कि जी मैं एक ऑफिसर हूँ और मैं डिस्टिंग्विश हूँ और इक्वलेंट टू मेल। तो आई विल गिव अ मैसेज कि इफ देर इज अ वे, फाइंड वन, इफ देर इज नन, मेक वन। सो डू कम and join Pakistan Army, Pakistan Air Force and Pakistan Navy. It is a very discipline and it makes your dream come true. Thank you so much for taking out time. It was lovely meeting you. Thank you. Bahut shukriya.